गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे ये जो हमारी अभी क्लास चल रही है ये हिंदी सब्जेक्ट की क्लास है और आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट में क्या चल रहा है आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट में। ओके, रिवीजन में हम लोगों ने जो है रिवीजन में हम लोग क्या पढ़ना है आपको मालूम है। रिवीजन में हमारा
इसमें क्या पूछा गया है कि सही शब्द छांटकर सही शब्द सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरें। सही शब्द छांटकर खाली स्थान आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन छांटकर यहाँ पर भरना। सबसे पहला है आपका पेड़ की छाया होती है शीतल या गर्म। इसके बाद दूसरा है राजा डैश में रहता है कुटिया कुटिया या इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हवेली हवेली होती है ऑप्शन है जी या नीची। इसके बाद फोर्थ नंबर है आपका अपना घर सबको डैश लगता है अब आप लोगों को क्या करना है, आपको सही शब्द मतलब यहाँ पर जो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको सही ऑप्शन जो है छांटकर यहाँ जो खाली जगह है इस जगह पर आपको क्या करना है, फिल करना है। ओके, तो अब आपको जो है पढ़ना है और जो सही ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर खाली जगह में आपको भरना। तो पेड़ की छाया डैश होती है। अब आप लोगों ने क्या पढ़ाया कि पेड़ की जो छाया है वो कैसी होती है, गर्म होती है या शीतल होती है। तो आपने इस सप्ताह में पढ़ा था पेड़ों की छाया है, पेड़ की छाया शीतल होती है। फिर सही ऑप्शन क्या आया, शीतल। तो आपने यहाँ पर शीतल यह आपका सही ऑप्शन। इसके बाद राजा डैश में रहता है, कहाँ रहता है, कुटिया में रहता है या राजमहल में, राजा
राजमहल में रहते राजा का राजमहल था, जयपुर जी का स्थान राजमहल। सही ऑप्शन क्या होगा? राजमहल। आप भी यहाँ पर राजमहल राज ये आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद हवेली डैश होती है। हवेली क्या होती है? आपने हवेली का अर्थ पढ़ा था, बड़ा सा पक्का मकान। ऊंचा होता है बड़ा, मतलब ऊंचा, तो ऊंची या नीची हवेली कैसी होती है? ऊंची होती है। इसके बाद अपना घर सबको डैश लगता है। आपको अपना घर कैसा लगता है? अच्छा है आपका? तो सही ऑप्शन क्या होगा? हमको अपना घर अच्छा लगता है। सही ऑप्शन यहाँ पर अच्छा। ओके, तो आपकी क्वेश्चन नंबर वो आपका क्या हुआ? आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 का वाक है कि कप्तान की पंक्तियां पूरी कीजिए। कप्तान की क्या करना है? पंक्तियां पूरी आपको क्या करना है? आपको कविता की जो पंक्तियां हैं उन्हें आपको क्या करना है? पूरी करना। सबसे पहला है मुझको ऊंची मिले दूसरा है या मिल जाए डैश डैश की गुटिया चाहिए गुटिया को चाहिए डैश। इसके बाद में पेड़ों की अब आपको क्या करना है? कविता की जो पंक्तियां दी गई हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। और आप कंप्लीट कब कर पाएंगे? जब आप जो है कविता की पंक्तियों को याद करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो कविता की पंक्ति मुझको ऊंची मिले, क्या मिले? हवेली। पूरी करने के लिए जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? हवेली। या मिल जाए राजमहल। क्या मिल जाए? राजमहल। या मिल जाए राजमहल। छप्पर की कुटिया को चाहे, क्या है? छप्पर की
छप्पन की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया आपकी कविता की जो पंक्तियां हैं वो आपकी कविता है। और आपको क्या करना है, कविता की जो पंक्तियां हैं उन्हें आपको याद भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर का आ है, आपको क्या करना है, फोर का जो पास में बताना है कविता में क्या है, कविता में आए शब्द छापकर लिखिए, आए शब्द छापकर लिखिए। कौन से शब्द आपको लिखना है छापकर, आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। सबसे पहला है आ, इसकी मात्रा आप लोग जानते होंगे, ई, ई और ए, आपको इनकी मात्राओं वाले शब्द जो है आपको छानकर लिखना है। मात्रा वाले शब्द मात्रा वाले शब्द एक ही मात्रा वाले शब्द। अब आपको कविता में आ, ई, और ए की मात्रा वाले शब्दों को आपका आपको क्या करना है, छांट कर लेना है। सबसे पहले तो आपको क्या समझाया गया था कि आपको कविता याद करनी है, मुझको ऊंची मेरे हवेली या मेरे चारे राजमहल पेड़ों की छाया। सबसे पहले तो जाए, आपकी मात्रा वाले में शब्द आएगा मेरा छांट के लिखा जाए छाया, ओके फिर याद के हो गए। इसके बाद है ईगी मात्रा वाले शब्द में या मिल जाए ऊंची मिले जगह, मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए मिल शब्द मिल जाए राजमहल, वहां पर राजमहल भी आगे मात्रा वाला है राजमहल, ओके। छप्पर की या को चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे वो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जिसमें भी इनकी मात्रा है, ओके जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। तो अब आपको की मात्रा वाले शब्दों में ढूंढना है, जैसे आपका है शीतल शीतल और शीतल इसमें जैसे मेरी एक ही मात्रा मेरी में भी और एक ही मात्रा में बनेगा बनेंगे ओके मेरे मेरा ओके ऐसे शब्द आपको
मात्राओं के जो है उन्हें आपको छाट कर लिखना है। आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है? ओके, ये बात क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद में के फोर्थ के बाद में है के बाद समझिए और लिखिए पढ़िए लिखिए पढ़िए समझिए पढ़िए समझिए और आपको क्या करना है? पढ़ना भी है, समझना भी है और आपको लिखना है। जैसे सबसे पहला गांव, यहाँ पर आपको जो शब्दों में छूटा हुआ है, मिस्टेक है, अशुद्ध है, उसको आपको लिखना है। जैसे आपके ऑप्शन दिया जाता है, जैसे यहाँ पर क्या है, चंद्र भी होगा। उसके बाद दूसरा है जैसे चांद, तीसरा है आम, आम मां, आंगन, आंगन स्थापना, स्थापना। अब आपको जो है क्या करना है, आपको एक ऑप्शन, एक एग्जाम एग्जाम्पल आपको समझाया जा रहा है गांव के तौर पर, कि जो गांव शब्द होता है इसमें क्या होता है, चंद्रबिंदु। तो ये जो सारे शब्द है ये किसके चंद्रबिंदु वाले, चंद्रबिंदु ठीक है। तो आप जैसे चांद रखो तो क्या लगाते हो, चांद चांद चांद, आंख में आप चंद्रबिंदु लगाते हो, आम 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 में भी लगता है, माँ माँ में भी चंद्रबिंदु लगती है, आंगन आंगन, स्थापना ओके। ये आपकी जो है आपको पढ़कर समझकर फिर आपने संख्या उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, शुद्ध है ये शब्द, तो आपने इसको पहले पढ़ा फिर संख्या आपने यहाँ पर देकर ये सीखा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का दिए गए वर्णों को, दिए गए वर्णों से आपको शार्थक क्या करना, सार्थक शब्द बनाना। ओके, जिसमें सबसे पहला आपको ध्रुव सार्थक, यहाँ पर आपको जो शब्द है यहाँ पर अक्षर आपको अलग अलग दिए गए हैं, इन अक्षरों से मिलाकर आपको जिसका सार्थक शब्द है मतलब जिसका अर्थ निकलना है। दूसरा है टी ओ या, उसके बाद है त
शुद्ध शब्द लिखना है, बाद में है शुद्ध शब्द लिखिए, शुद्ध क्या करना है, शुद्ध शब्द लिखिए। शुद्ध शब्द आपको बनाना है, जैसे चंगे, दूसरा है रज में है, तीसरा है पूर्णिया, जिया, चित्तल, अब आपको जो है सही शब्द बनाना है। अगली इसके बाद देगा शब्द आपको दिए गए हैं, इनको आपको सही करकर शुद्ध करकर लिखना है। गलेगी, और की पाने कितने, ओके आपको यहाँ पर जो शब्द है आपको सही करकर लिखना है। जैसे चली पढ़ते कि आप चाहे सही शब्द के अंदर चार आत्मकाय है ना, चाहे रज में है कि राज में है, राज में है, राज में है। इसके बाद कुटिया, कुटिया की माता की ना छोटी कुटिया, कुटिया शीतल की शीतल, सही शब्द क्या होते हैं, शीतल। इसके बाद हवेली की हवेली, हवेली हमेरी, बनेगा बनेगा बनेगा, रहेगी सही शब्द बनेगा, रहेगी रहेगी, बड़ी की माता,
कितने कितने में शुद्ध माता कितने। ओके, ये आपके शुद्ध शब्द आपको कैसे लिखना है आप लोगों ने इसको समझा। इसके बाद इसमें है पढ़िए समझिए और आपको लिखना है। यहाँ पर आपको छ प्लस 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 नौ। ओके, दूसरा है ख प्लस पर छप्पर छप्पर सुंदर शू प्लस नाम हलन प्लस सुंदर बंदर प्लस नाम हलन प्लस द प्लस न। अब आप लोगों को ये चीज समझाई होगी कि शब्द में शब्द को हमने तोड़ दिया जो हलन ना लगी हुई है उसका आपका उच्चारण होगा कि ये शब्द आपको कैसे लिखना है। छ प प वृक्ष पर नहर पानी लगी इसकी यहां का पद है ख प प वृक्ष पर। इसके बाद शु नाम है सुंदर शु न द सुंदर। इसके बाद बंदर में प न द द बंदर। ये आपके शब्द तोड़कर लिखे हुए हैं अक्षर टूटे हुए हैं वो आपने तोड़कर लिखा हो कैसे लिखना है। यहाँ पर जो हलन लगी हुई है इसका अर्थ क्या होता है आगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर दूसरा है जैसे ट प प ज प ठीक है पत्थर और अंदर। यहाँ पर आगे जो बढ़ दिया जाए तो उसको हमने कैसे लिखा हलन के द्वारा ठीक है। तो ये जो हलन दिया गया है हम समझ सकते हैं आगे। यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है आगे दिया गया तो हमें यहाँ पर हलन के द्वारा समझाना। जैसे टप्पा लिखा ता प्लस पा में हलन प्लस पा प्लस र। इसके बाद पत्थर में आगे लिखेंगे कि पा प्लस ता में हलन प्लस हा प्लस र। अंदर में पा प्लस ना में हलन प्लस दा प्लस दा ये हो गया। ओके, अब आपको समझ में आया अब आपको कैसे कंप्लीट करना आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन को इनिशियल में देंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट। ओके, थैंक यू।